हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। और आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, CWC सेंट्रल वेयरहाउसिंग एंड NABARD के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो की PDF आपको हमारी साइट पर अवेलेबल हो जाएगी और आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और शुरू करते हैं। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी है, तो है 65 ईयर्स। अगर हाई कोर्ट के जज की बात करें तो हाई कोर्ट के जज की एज होती है 62, रिटायरमेंट एज होती है 62। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग नोन एज पंजाब केसरी, तो इनमें से पंजाब केसरी किसे बोला जाता है, तो बोला जाता है लाला लाजपत राय जी को। और इनकी मौत कब हुई थी, तो साइमन कमीशन की जो 1927 में आया था, और इनका विरोध करते करते इनको लाठीचार्ज में बुरी तरह जख्मी हो गए और उनकी मौत होगी। और इनकी मौत का बदला भगत सिंह और उनके साथियों ने सॉन्डर्स को मारकर लिया था 1928 में। और अगर लाला हरदयाल की बात करें तो ये फाउंडिंग मेंबर था गदर पार्टी का, और सोन सिंह भकना भी इनके साथ थे, इन्होंने मिलकर पार्टी बनाई थी गदर पार्टी। विच शेड्यूल लिस्ट द लैंग्वेज ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी लैंग्वेज है वो किस शेड्यूल में लिस्टेड है, तो वह है 8th शेड्यूल में। और 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1951 में हुई है उसके तहत ऐड किया गया। और 10th शेड्यूल की बात करें तो ये 52nd अमेंडमेंट जो 1985 में हुई है उसके तहत ऐड किया गया। और जो 11th एंड 12th हैं वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो 1992 में हुई है उसके तहत ऐड किए गए हैं। अगर 6th शेड्यूल की बात करें जो जहां हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल एरिया है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना है 6th शेड्यूल। और 9th शेड्यूल है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रूल एंड रेगुलेशंस, जो मींस कुछ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी एक्ट है, कोई भी रूल है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन 9th शेड्यूल में अगर उसको लिस्ट कर दिया गया 9th शेड्यूल के अंदर, तो उसे लागू किया जा सकता है चाहे वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। अगर 10th शेड्यूल की बात करें तो ये होता है डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मींस जो दल बदलू होता है उनके लिए ये शेड्यूल ऐड किया गया है। और 11th शेड्यूल है जे पंचायती राज के लिए है, और 12th शेड्यूल है म्यूनसिपैलिटीज। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8th शेड्यूल थे, आज 12th शेड्यूल है। वेर इज मेरीना ट्रेंच लोकेटेड, इनमें से मेरीना ट्रेंच कहाँ है, तो है पैसिफिक ओशन में। मेरीना ट्रेंच है क्या, जे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का ओशन में, इसकी गहराई 11 किलोमीटर तक है, गहराई 11 किलोमीटर के करीब है मेरीना ट्रेंच की। और अगर अर्थ का लैंड पे सबसे डीपेस्ट पॉइंट पूछा जाए तो वो है डेड सी। अगर ओशन में पूछा जाए, ओवरऑल डीपेस्ट पॉइंट पूछा जाए अर्थ का, तो वो मेरीना ट्रेंच है जो कि ओशन में लाई करती है। अगर डीपेस्ट पॉइंट ऑन लैंड पूछा जाए तो डेड सी है। अगर इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट पूछा जाए तो वो है जावा ट्रेंच। ऑन विच अमंग द फॉलोइंग कोर्ट्स विंबलडन चैम्पियनशिप इज प्लेड, विंबलडन चैम्पियनशिप किस खेल के लिए है, तो है टेनिस टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम होता है ये, तो ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। और जो साल का सबसे पहला टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम, चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, और तीसरा होता है विंबलडन, और चौथा होता है US ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है
वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे। और जो फ्रेंच ओपन होता है वो खेला जाता है क्ले कोर्ट पे, क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन ग्रास पे। और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और ये इसी सीक्वेंस में होते हैं साल में, पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, और फिर यूएस ओपन। द हड़प्पन वेपन वर नॉट मेड ऑफ, तो जो हड़प्पा के वेपन थे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज़ किए जाते थे लोगों द्वारा, तो इनमें से किस के नहीं बने होते, तो वो आयरन, आयरन की डिस्कवरी उस समय तक नहीं हुई थी। आयरन की डिस्कवरी बाद में हुई है वैदिक एरा में, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन किस लिए बोला जाता है? तो सबसे पहला शहर जो था इसका हड़प्पा डिस्कवर किया गया था। और हड़प्पा को डिस्कवर किसने किया था? तो डी आर सहनी ने, डी आर सहनी ने किया था, डी आर सहनी, दयाराम सहनी ने 1921 में किया था डिस्कवर। और इसे इंडस सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये इंडस नदी के ऊपर है। और हड़प्पन सिटी की बात करें, जो हड़प्पा सिटी है वो है रावी के किनारे, रावी नी रिवर के किनारे है। इन द ऋग्वेदा द सतलुज रिवर इज ऑल्सो नोन एज, तो वो सतलुज रिवर का संस्कृत में क्या नाम था? तो वो था स्तुद्री, विपाशा ब्यास का नाम था विपाशा, और पुरुषनी था रावी रिवर का नेम, और अस्किनी था झेलम, सॉरी अस्किनी चैनाब का नाम था, और फेमस वितास्ता नाम था, ये था झेलम का। और इस जहाँ पे एक फेमस बैटल हुई है, बैटल ऑफ हाइडापस और बैटल ऑफ वितास्ता बोला जाता है उसे, वो किन किन दो के बीच में हुई है? तो वो हुई है पोरस एंड एलेक्जेंडर के बीच में हुई है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वितास्ता का नाम भी पूछा जाता है, वितास्ता को किस नदी का नाम था? तो झेलम का था। द हिंदुशाही किंग जयपाल फोर्ट अगेंस्ट, जो हिंदुशाही जयपाल राजा था वो इनमें से किसके अगेंस्ट लड़ा था? तो लड़ा था महमूद ऑफ गजनी के खिलाफ, और मैं कब 1001 में। और महमूद गजनी ने 17 अटैक किए हैं, और कब से कब तक? तो 1001 से लेकर 1025 तक इन्होंने 17 अटैक किए हैं। और लास्ट का जो फेमस है सारनाथ का टेंपल जिसमें डिस्ट्रॉय किया था, वो 17 अटैक था। तो अगर कभी कभार पूछा जाता है वहाँ के राजा कौन थे जब सारनाथ का सोमनाथ का टेंपल डिस्ट्रॉय किया गया था, सोमनाथ का, तो वहाँ के राजा थे भीम प्रताप राजा थे। और किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो वो सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और कौन सा टेम्पल था? तो टेम्पल था सोमनाथ का, सॉरी सोमनाथ का टेम्पल था पहले। और लूनर एक्लिप्स अक्कर वैन, तो लूनर एक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ आती है सन एंड मून के बीच में, अर्थ आती है आप तस्वीर में देख सकते हैं, जब अर्थ मून एंड सन के बीच में आती है और अर्थ की शेडो मून पे गिरती है, तो लूनर एक्लिप्स होता है। अगर सोलर एक्लिप्स की बात करें तो उसमें अर्थ और मून आता है सन एंड अर्थ के बीच में। हीराकुंड डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो ये है महानदी के ऊपर, और ये इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है। ड्यू टू कंजप्शन ऑफ पॉलिश राइस इन देयर मेन डाइट पीपल सफर फ्रॉम, तो पॉलिश राइस मेन डाइट में खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी बेरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब राइस को पॉलिश किया जाता है तो उसकी विटामिन एंड प्रोटीन की लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो निकाल दी जाती है। इसके साथ जब कंटिन्यूसली कोई उसे कंज्यूम करता है तो उसको बेरी बेरी डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैसेज होती हैं? तो इनमें इनर्ट गैसेज यूज़ की जाती है, इनर्ट गैसेज यूज़ की जाती है। इनर्ट गैसेज में क्यों यूज़ की जाती है इनर्ट गैसेज? तो इनर्ट गैसेज लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, इसलिए यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब में। तो इनमें से आंसर है नाइट्रोजन। और ऑर्गन भी यूज़ की जाती है, ऑर्गन भी यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब में। गोबर गैस कंटेन्स मेनली, तो गोबर गैस में क्या मेनली होता है? तो होता है मिथेन।
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस से पास नहीं करती, तो अगर पूछा जाए तो 8 स्टेट में इससे पास करती है, और कौन कौन सी हैं, तो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा एंड मिजोरम, और इनमें से आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, तो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का, महाराष्ट्र में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती। द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, तो इनमें से यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है ग्रुप, तो है ए बी। और यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है ओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपना हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेट करती हैं, उनको कोई डक्ट कोई वेन की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली वो अपने हार्मोन ब्लड में सेक्रेट करती हैं, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। तो इनमें से कौन सी ग्लैंड एंडोक्राइन नहीं है, तो है स्वेट ग्लैंड, बाकी सभी ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है उनकी रेवोल्यूशन कितनी होती है, तो उसकी 24 घंटे होती है, 24 घंटे और वन डे। और जो पोलर सैटेलाइट होती है उसकी रेवोल्यूशन पीरियड कितनी होती है, तो लगभग 100 मिनट होती है, 100 मिनट्स। वेयर एंड व्हेन डिड द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड, तो पहली एशियन गेम कहाँ हुई थी, तो हुई थी न्यू दिल्ली में 1951 में। और इस साल कब कहाँ हुई है, तो इस साल हुई है इंडोनेशिया में जकार्ता में। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन पाइप्स विद लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट करोजन इज टर्म एज, आयरन की पाइप के ऊपर जिंक की लेयर की जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। अगर अनीलिंग की बात करें तो अनीलिंग होती है हीट ट्रीटमेंट, अनीलिंग हीट ट्रीटमेंट होती है, क्यों की जाती है, क्योंकि इसके साथ हम किसी भी एलिमेंट किसी भी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, फिजिकल और समटाइम केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं, ताकि उसे डक्टाइल बनाया जा सके और उसकी जो हार्डनेस है हार्डनेस वो डिक्रीज की जा सके और डक्टाइल बनाया जा सके, डक्टिलिटी इनक्रीज की जा सके। और वल्केनाइजेशन की बात करें तो इस में रबड़ को जो नेचुरल रबड़ होता है उसको सल्फर के साथ 140 डिग्री तक हीट किया जाता है, ताकि नेचुरल रबड़ को मोर ड्यूरेबल बनाया जा सके। वज्र प्रहार इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड, तो इंडिया एंड किस कंट्री में वज्र प्रहार एक्सरसाइज की जाती है, तो वो है यूएसए। और रशिया की बात करें तो रशिया के साथ हम इंद्र एक्सरसाइज करते हैं, और चाइना के साथ हम दो करते हैं सिनो इंडिया एंड हैंड इन हैंड चाइना के साथ करते हैं, और इंग्लैंड के साथ हम करते हैं अजेया वॉरियर। और अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हम नोमैडिक एलिफेंट किस कंट्री के साथ करते हैं, और अगर जो एक एक्सरसाइज है मैत्री वो हम करते हैं थाईलैंड के साथ, और एक है गरुड़ शक्ति जो हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम नोमैडिक एलिफेंट किस कंट्री के साथ करते हैं। और एक और है शक्ति जे भी किस कंट्री के साथ, जे दो एक्सरसाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जे दो एक नोमैडिक एलिफेंट एंड एक शक्ति, जे दो एक्सरसाइज इंडिया किस कंट्री के साथ मिलकर करता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस.